जय माँ काल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हूँ। मेरा आज का जो वीडियो है BSF, जी हाँ BSF में जो आप लोग की न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, पूरी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ। BSF के अंतर्गत जो है आप लोग की वाटर विंग्स के अंतर्गत आप लोग की कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल SI की आप लोग की वैकेंसी निकल के आने वाली थी, जिसका कि नोटिस यहां पे प्राप्त हो चुका है। वेबसाइट पे अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, बहुत ही जल्द आप लोग को नेक्स्ट वीक ऐसा हो सकता है कि वेबसाइट पे भी इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिले और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी आप लोग को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिले, क्योंकि मई लास्ट में ही आप लोग की ये रिक्रूटमेंट आने वाली थी और रिक्रूटमेंट आप लोग की आ चुकी है। जी हाँ, आप लोग देखेंगे ये है नोटिफिकेशन, ठीक है। वेबसाइट पे नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिक्रूटमेंट की जानकारी आप लोग लीजिए, इसके बाद जैसे ही वेबसाइट पे आता है इसके ऑनलाइन अप्लाई से रिलेटेड वीडियो में आप लोग को बना के दे दूंगा, ठीक है। इससे पहले आप लोग की ये वैकेंसी आई थी, इसमें आप लोग के ऑफलाइन अप्लाई हुए थे, 300 प्लस आप लोग के इसमें वैकेंसी थी। तो ये वैकेंसी आप लोग देखेंगे, रिक्रूटमेंट है जो कि यहाँ पे निकाली गई है। SI मास्टर, SI इंजन ड्राइवर, SI वर्कशॉप और हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप, CT क्रू, जी हाँ कांस्टेबल क्रू की आप लोग की वैकेंसी है। BSF वाटर विंग्स के अंतर्गत आप लोग की वैकेंसी है। एग्जामिनेशन 2022, इससे पहले आप लोग की रिक्रूटमेंट आई थी 2020 में। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं 2020 में आप लोग की ये रिक्रूटमेंट आई थी, आप लोग की बिल्कुल सेम रिक्रूटमेंट यही है, वाटर विंग्स के अंतर्गत निकली थी। सिटी क्रू, हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड को और सब इंस्पेक्टर, इंजन ड्राइवर वगैरह आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी थी, ठीक है। इसमें अभी जो बच्चों की ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, सारा प्रोसेस यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है, पूरा प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है। इस वजह से आप लोग की न्यू रिक्रूटमेंट यहाँ पे, न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिस जारी कर दी गया। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर करता हूँ रिक्रूटमेंट क्या है। आप लोग देखेंगे SI मास्टर की 5 वैकेंसी निकल के आ रही है। क्वालिफिकेशन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है। जनरल EWS OBC ST की 8 वैकेंसी है। सैलरी काफ़ी अच्छी मिलने वाली, 35,400 से 1,12,400, ठीक है। 22 से 28 साल आप लोग की एज मांगी गई है। जनरल OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। 10+2 पास आप लोग होने चाहिए सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए। इसके अलावा आप लोग के पास सेकेंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकेंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट जो कि आप लोग का सेंट्रल और स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे इशू किया गया। इसके अलावा आप लोग SI इंजन ड्राइवर के लिए ग्रुप बी की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी टोटल 6 वैकेंसी है। 35,400 से 1,24,000 आप लोग की सैलरी है। 22 से 28 साल आप लोग की एज है, एज काफ़ी अच्छी है, ठीक है। OBC को 3 साल का, SST को 5 साल का बेनिफिट है। 10+2 पास आप लोग होने चाहिए। और इसके अलावा आप लोग के पास फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इशू किया गया हो सेंट्रल और स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या फिर नेशनल मैरीन डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है, मैरीन डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर आप लोग की जो है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा इशू किया गया हो, ध्यान रखिएगा 10+2 के साथ साथ। SI वर्कशॉप ग्रुप बी की वैकेंसी, 2 वैकेंसी है। इसके लिए आप लोग की एज है 20 से 25 साल रखी होगी। जनरल OBC को 3 साल का, SST को 5 साल का बेनिफिट। बैचलर डिग्री आप लोग के पास होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जी हाँ आप लोग BTEC होने चाहिए यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और 3 ईयर का या फिर आप लोग का जो है 3 ईयर का डिप्लोमा हो मैकेनिकल में या फिर मैरीन में या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैचलर डिग्री और आप लोग के पास या फिर आप लोग के पास डिप्लोमा है मैकेनिकल, मैरीन या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं SI वर्कशॉप के लिए। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए 52 वैकेंसी निकल के आ रही है। 20 से 25 साल आप लोग की एज है। जनरल वालों की 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सारंग सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए, जी हाँ हेड कांस्टेबल मास्टर की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे आप लोग के पास सारंग सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th के साथ साथ। इसके अलावा आप लोग की जो न्यू वैकेंसी है वो आप लोग की हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की वैकेंसी है। 64 वैकेंसी है, 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड क्लास आप लोग के पास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आप लोग की। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप ट्रेड की आप लोग की वैकेंसी, इसके अंतर्गत आप लोग की ट्रेड की जो वैकेंसी है मैकेनिक डीजल पेट्रोल में 10 है, इलेक्ट्रिशियन में 2 है, AC टेक्नीशियन में 1 है, इलेक्ट्रॉनिक में 1 है, मशीनिस्ट में 1 है, कारपेंटर प्लम्बर, टोटल 19 वैकेंसी निकल के आ रही है जो कि हेड कांस्टेबल वर्कशॉप ट्रेड के अंतर्गत आती है। 20 से 25 साल जनरल वालों की, OBC वाले 20 से 28 साल और SST वाले 20 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास पास आप लोग होने चाहिए और आप लोग के पास ITI, जी हाँ ITI आप लोग के पास होना चाहिए। डिप्लोमा रिस्पेक्टिव ट्रेड मोटर मैकेनिक डीजल पेट्रोल इंजन मैकेनिक कारपेंट्री इलेक्ट्रीशियन एयर कंडीशनर और टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स प्लम्बर वगैरह में आप लोग के पास होना चाहिए।
ठीक है, आप लोग के पास ITI हो, डिप्लोमा हो, रिलेटेड ट्रेड में आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं टेंथ के साथ साथ, आप लोग देख लेंगे ठीक है। मैकेनिक जो भी है आप लोग का मांगा गया, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वगैरह में। इसके अलावा सिटी क्रू, या सबसे अच्छी वैकेंसी जो बच्चे वेट कर रहे हैं वो है आप लोग की कॉन्स्टेबल सिटी क्रू की ग्रुप सी की, 130 टोटल वैकेंसी है। लेवल 3 की सैलरी है 21,769,100 आप लोग की सैलरी है। 20 से 25 साल एज है जनरल वालों की, OBC 20 से 28 साल, SC ST 20 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए बोट को ऑपरेट करने का, जो कि 265 HP, ठीक है ध्यान रखिएगा, जो कि बिलो 265 HP आप लोग की होनी चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए बोट को ऑपरेट करने का, और इसके अलावा नॉलेज होनी चाहिए आप लोग की स्विमिंग की डीप वाटर में। जी हाँ, डीप वाटर में आप लोग को स्विमिंग की जानकारी होनी चाहिए, और सबमिट करना पड़ेगा आप लोग को अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, जो कि आप लोग को एनेक्जर D1 में आप लोग को आगे दिया गया है ठीक है। तो आप लोग को स्विमिंग की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप लोग का ट्रेड होने वाला है। इसके अलावा 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग को होना चाहिए बोट को ऑपरेट करने का, जो कि बिलो 265 HP यहाँ पे होना चाहिए। टोटल 281 वैकेंसी निकल के आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10% एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है 30 दिन, यानी कि जैसे ही आप लोग की एडवर्टाइजमेंट आएगी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आप लोग के 30 दिन या फिर वेबसाइट में 30 दिन तक आप लोग अप्लाई कर लेंगे। पूरी जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। यदि चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो। इसके अलावा आने वाले समय में आप लोगों को BSF के बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा, वाटर फीस के अंतर्गत किस किस तरीके से आप लोग यहां पे प्रोसेस कर सकते हैं ठीक है। ग्रुप बी के लिए 200 रुपये आप लोग की फीस लगने वाली है यदि आप लोग जनरल OBC से हैं, और ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसमें आप लोग के 100 रुपये लगने वाले यदि आप लोग जनरल OBC से हैं। SC ST आप लोग ग्रुप बी से हैं ग्रुप सी से हैं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग की कोई फीस यहां पे लगने वाली नहीं है ठीक है। और इसके अलावा आप लोग को बताया है, बाकी की जानकारी आप लोग को रिक्रूटमेंट BSF की वेबसाइट पे मिलेगा या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आप लोग को मिलेगा आने वाले समय में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी जानकारी आप लोग को यहाँ पे दे दी गई ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोग को कुछ जानकारियाँ यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। जी हाँ, पिछली आप लोग की जो वैकेंसी आई थी बिल्कुल सेम वैकेंसी आप लोग की थी, 300+ आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी थी। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं 317 यहाँ पे वैकेंसी थी, और बिल्कुल आप लोग का जो सिलेबस वगैरह सब कुछ था, एज वगैरह में रिलैक्सेशन जो मिलता है आप लोग को मिला था, और इसके अलावा मैंने आप लोग को बता दिया उन बच्चों की ज्वाइनिंग भी यहाँ पे हो चुकी है। और इसके अलावा आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जैसे कि फिजिकल स्टैंडर्ड, जी हाँ इसमें आप लोग का सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होता है, रिटर्न के बाद आप लोग को फिजिकल ट्रेड वगैरह और मेडिकल वगैरह आप लोग का होता है। तो चलिए फिजिकल की जानकारी मैं आप लोग को देता हूँ। यदि आप लोग ST कैंडिडेट हैं तो 160 सेंटीमीटर, 63 और 78 आप लोग की जो यहाँ पे चेस्ट होती है फुलाव के बाद, ध्यान रखिएगा फुलाव के बाद 78। इसके अलावा हिल एरिया से आते हैं तो 162.5 और मिनिमम चेस्ट आप लोग की 75 और फुलाव के बाद आप लोग की 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव देखा जाता है। और इसके अलावा आप लोग जो है बिलोंग करते हैं अदर स्टेट यूनियन टेरिटरी वगैरह से, इसके अलावा जो भी है जनरल OBC वगैरह ठीक है और SC वगैरह, तो 165 सेंटीमीटर और चेस्ट आप लोगों का 75 और 80 यहाँ पे होता है ठीक है। ST और मैंने सबकी जानकारी दे दी आप लोग को। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस जैसे मैंने आप लोग को बताया, रिटर्न एग्जाम ही सबसे पहले यहाँ पे होता है, इसके बाद आप लोग का सेकंड फेज होता है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है, मेजरमेंट टेस्ट होता है, एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट भी आप लोग का होता है, मेडिकल भी आप लोग का होता है, ये आप लोग का सेकंड फेज के अंतर्गत होता है। तो मैंने आप लोग को फिजिकल की जानकारी यहाँ पे दी है, जी हाँ आप लोग को फिजिकल स्टैंडर्ड की जानकारी दे दी है, आप लोग की हाइट वगैरह, रिटर्न एग्जाम का पूरा सिलेबस है ठीक है। SI मास्टर, SI ED, SI वर्कशॉप आप लोग का पूरा सिलेबस है, इसी के अनुसार आप लोग का आने वाला 2 घंटे का पेपर आप लोग को होता है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं ठीक है। सबका अलग अलग यहाँ पे लेवल होता है, और क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं 35% जनरल OBC EWS, और यदि आप लोग SC ST कैंडिडेट हो 33% आप लोग के क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। इसके अलावा आप लोग का जो सेकंड फेस होता है ये आप लोग देखेंगे SI और हेड कांस्टेबल वर्कशॉप जो है माधोपुर भुज होशंगाबाद धुबरी में आप लोग का होता है। इसके अलावा SI एंड हेड कांस्टेबल मास्टर इंजन ड्राइवर यहाँ पे भुज होशंगाबाद धुबरी का डिटेल दिया। इसके अलावा कांस्टेबल क्रू माधोपुर भुज होशंगाबाद धुबरी सिलचर में आप लोग का इनका जो है यहाँ पे प्रोसेस दिया गया था। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की जानकारी दी गई है और एफिशिएंसी टेस्ट, जी हाँ PHT और PET, PHT स्टैंडर्ड टेस्ट मैंने आप लोग को ऊपर बता दिया है। इसके अलावा एफिशिएंसी टेस्ट की जानकारी आप लोग ले सकते हैं, 1 माइल यानी कि 1600 मीटर की आप लोग की रनिंग होगी, 8 मिनट का टाइम आप लोग को मिलता है, हाई जंप होती है 3 फीट 6 चांस मिलता है 3 अटेम्प्ट, और इसके अलावा लॉन्ग जंप होता है 11 फुट का 3 चांस आप लोग को यहाँ पे मिलता है। तो यही आप लोग का प्रोसेस होता है। इसके साथ आप लोग का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होता है, तो ट्रेड यानी कि जिस ट्रेड से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोग का ट्रेड होता है। सिटी क्रू के लिए मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे स्विमिंग का टेस्ट आप लोग का होता है, जी हाँ कांस्टेबल क्रू का। काफ़ी बच्चों ने स्विमिंग वगैरह में भाग लिया था और काफ़ी बच्चे मेरे से जुड़े हुए थे, अटैच थे, तो पूरी जानकारी मेरे पास है किस प्रकार से आप लोग का पेपर होता है। इसके बाद आप लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होता है ठीक है।
तो यही है आप लोग की पूरी डिटेल जो पिछली बार आई थी सेम टू सेम क्वालिफिकेशन वगैरह, आप लोग का इस बार भी यही है। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड करा दी है। इसके अलावा भी कोई जानकारी लेनी है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। और भर्ती देखो पे आप लोग विजिट करते रहिए, आप लोग को आने वाले समय में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी नोटिफिकेशन से रिलेटेड और इसके एग्जाम डेट से रिलेटेड। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जांच पे लिखूंगा। यदि चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग करते रहिए। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।